सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर लो भाई। हाँ जी भाई, मैं क्या हाल चाल है भाई? हमारे सब्सक्राइबर्स की ना बड़ी डिमांड आ रही है कि कोई और वसीम प्रैंक करो जैसे आपके साथ किया था के? वो जैसे सिगरेट वाला प्रैंक किया था ना। हाँ हाँ। तो सब्सक्राइबर कह रहे थे वसीम इस तरह का कोई फनी प्रैंक और करो किसी के साथ। तो आज जो है ना फिर मेरे प्लान में एक प्रैंक तो आया है, लेकिन हमारी ना फैमिली थोड़ी देसी टाइप की है, यहाँ प्रैंक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इंशाल्लाह आज फिर हम प्रैंक करने वाले हैं। छोटा सा प्रैंक होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो अब्बा जी के साथ आज प्रैंक होने वाला है। आज मैं अब्बा जी को तंग करते हैं थोड़ा सा वो भी थोड़ा सा ना, जब बंदा किसी को तंग करता है ना फिर खुशी मिलती है ना, तो फिर वो ज्यादा मजे की लगती है। तो वही वाला आज हम सीन करने वाले हैं अब्बा जी के साथ। और करने किस तरह से लगे हैं, पहले तो भैया दो सूट पड़े हैं, ये एक भाई अम्मा को मिला है और ये मिला है जी भाभी और भाई सुधाकर की तरफ से। उन्होंने भाई जो है ना वो काम कपड़े का काम स्टार्ट किया हुआ है, तो उनकी तरफ से भाई ये ईद का गिफ्ट मिला है जी। अम्मा को दिखाएं भाई कौन सा सूट मिला है आपको। पसंद करो भाई, अच्छा लगता है। दुकान घर बनी गली है तो ये भाई अम्मा को सूट मिला नहीं भाई, प्यारा है। कलर जो है ना बड़े हाईलाइटेड से हैं, जब सिलवाएंगी ना ये मिलता जुलता, मतलब कलर व्हाइट वो भी है लेकिन उसमें वो फूल थोड़े से दूसरे हैं, लेकिन ये भी है कि ये अच्छा लगेगा। तो इस बार दर्जन से सिलवाइएगा, खुद ना सिलाई करने बैठ जाइए। ये आपने खुद सिलाई की ना जो पहना हुआ? हाँ ये देखो भैया, अम्मा ने खुद सिलाई किया और इस बार स्पेशल ऑर्डर आए हैं अम्मा को कि ना दर्जन से सिलवाई कर सिलाई करवाए। और दूसरा भाई ये रहा जी अब्बा जी का सूट, और सारा ट्विस्ट इसी सूट में है भाई। आप लोग हमेशा कहते हो वसीम अब्बा जी को कपड़े लेके दिया करो डिफरेंट कलर के, डिफरेंट कलर के वो कपड़े पहना करें। भाई डिफरेंट कलर का ये देख रहे हो, आसमानी कलर से हम दूसरी तरफ आके ये सूट लेके आए। तो अब्बा जी ने ये 6 महीने से सूट पड़ा, सिलाई नहीं करवाया। वो कहते हैं मुझे ये नहीं पहना, क्या कहते हैं नीले कलर का आसमानी कलर देखो। अच्छा ना, तो ये सूट काफी अरसे से पड़ा हुआ है, हमने जब भी डिफरेंट कलर लेके आया ना अब्बा जी से हमने बातें ही सुनी है, और उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं पहनूंगा, पहन लेते हैं औखे सोखा करके, लेकिन ना वो बातें सुना के पहनते हैं। तो ये सूट भी भाई अब्बा जी का पड़ा हुआ था और अब्बा जी ने अभी तक सिलाई नहीं करवाया, और ईद के तकरीबन भाई 10 से 12 दिन रह गए, तो अब्बा जी के पास जाना है हमने। प्रैंक भी यही है और अब्बा जी को कहना है कि अब्बा जी ये सूट सिलवा के ईद पे पहने। तो अब्बा जी ने मना करना है, मुझे पता है साहब, उन्होंने कहना मैं पुराने पाल ही सब पहनता ही नहीं हाँ, जेडे हैं मुँह पे पाई रख सब ए मैं नहीं सिवेंदा क्योंकि पहले ये थोड़ी बात ना घर में डिस्कस हो चुकी है। तो अब्बा जी के पास लेके चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो हमने पता है क्या करना है, हमने कहना है कि हमने भाई सूट लेके नहीं देना नीला, यही पहनना तो पहने, नहीं तो पुराने पहन लीजिएगा। अब्बा जी को आ जाएगा फिर गुस्सा तो थोड़ी सी उनकी बातें सुनेंगे और चुप करके फिर आ जाएंगे। फिर भाई अम्मा और मैं जाएंगे जी टाउन या सिटी, और वहां से अब्बा जी के पसंद का सूट और उनके लिए भाई एक वाइट रुमाल लेके आएंगे। जूते का उनसे पूछा है, उन्होंने कहा भाई जूते बहुत पड़े हैं, जूते नहीं पहने, 2 खुसे उनके पास पड़े हैं। वो कहते हैं मुझे जूते ही नहीं चाहिए, मुझे कपड़े ही नहीं चाहिए, तुम लोग ना मेरा कलर ही डिफरेंट लेके आते हैं। तो गुस्सा किए हुए हैं, तो उनके जाके देखते हैं रिएक्शन क्या आते हैं। और फिर उनके लिए भाई ब्लू कलर का यानी आसमानी कलर का इस तरह का, यानी कि इससे थोड़ा हल्के वाला वाइट जो ब्लू होगा ना लेके आएंगे, तो वो आपको दिखाएंगे और वो फिर अब्बा जी को सरप्राइज में ईद का तोहफा देंगे, ड्रेस देंगे, और दर्जी हमारे तकरीब में ही वो सिलाई करके अब्बा जी को दे देंगे। तो अभी हम पहले ये सूट लेके चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। तो गाली उन्होंने निकालनी मुझे कि नीला सूट लेके नहीं आते, हर बार ये लेके आ जाते हो। तो अब देखते हैं क्या कहते हैं, चले फिर। हाँ उठाएं अभी भाई अब्बा जी की तरफ चलते हैं, उनको कहते हैं कि भैया सूट सिलवा के पहने, पहने तो पहने नहीं तो हमने नहीं लेके देना। हालांकि हमसे ज्यादा उनकी जेब में पैसे होते हैं, लेकिन फिर औलाद होती है ना तो औलाद का करना बनता है। इधर बैठे हुए हैं अब्बा जी, आज जो है ना अब्बा जी के साथ ना रोला सारा खत्म करते हैं, इनके जो कंफ्यूजन है ना दूर करते हैं। हाँ जी अब्बा जी, भाई ये आपके लिए ईद का सूट है, ये आपने ईद पे पहनना है। अच्छा, तो इसको दर्जी को देना है तो सिलाई करवाएं अपनी पसंद से, जैसे आपने इसका डिजाइन रखवाने हैं। अच्छा, तो ये पहने मैं पावना में नहीं है क्यों डिंगी पवा वो पावना क्यों कोई नहीं पहनता मैं पे
ਹੋਰ ਕੀ ਜਪਾਉਣੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਿੱਟੇ ਫਰੂਟ ਪੈਣ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲੀ ਤੋੜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋੜ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋੜੀਓ ਪਾ ਲਵਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੋ ਕਿਉਂ ਡਿੰਗੀ ਲਈ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਜਪਾਉਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਨੀਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨੀਲੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਕਲਰ ਤੇ ਓਵਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸੂਟ ਪਾਈ ਵਦੇ ਇੱਕੋ ਕਿਸੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਲੈ ਦੇ ਵੀਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦੂਏ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਇਹ ਉਹ ਛੇ ਚਾਦਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆ ਪਈਆਂ ਨੂੰ ਸਨੀ ਲੈ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜ ਕੱਪੜੇ ਕੀਤੇ ਮੋੜਨੀ ਨੀਲੇ ਵੋਏ ਨਾ ਨੀਲੇ ਵੀ ਨੀਲੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਮੋੜਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਕੋ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਈਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈਓ ਸੂਟ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ ਸੂਟ ਸਿਲਵਾਓ ਆ ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੂਟ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਦੂਆ ਕਲਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਲੈ ਸਨੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਮਣੇ ਸੀ ਇਤਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਈਆ ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੀਲਾ ਪੈ ਸੂ ਪਾਉਣਾ ਨੀਲਾ ਪਾਉਣਾ ਨੀਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਉਣਾ ਬੀ ਆਈ ਏ ਰੋਲਾ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਸੂਟ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਲ ਲੈ ਜਾਵਣਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਚੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਸੂਟ ਪਾਵਣ ਦਿਓ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਏ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰਨਵਾ ਆਖਣਾ ਜੀ ਬਾਈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਆ ਰਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਚ ਕਰੋ ਨੀਲਾ ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਨਾ ਲਾ ਦੇ ਵਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਨੀਲਾ ਲੈ ਤਾਂ ਬੁੜ ਲੈ ਲਈ ਸੋ ਨੀਲਾ ਤਾਂ ਬੁੜ ਹੋਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲਾਗਵਾਈਂਦਾ ਆ ਗੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਤੋਕਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲਈਏ ਕਾਈ ਗੋਲੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਨੀਲਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨੀ ਲੈਣਾ ਚਲੋ ਨਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਪੁੱਛ ਲਾਵਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਏ ਆ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈ ਬਾਈ ਆਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਹਿਨ ਲੂੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੂੰਗਾ ਤਾਂ ਹਮਨੇ ਵੀ ਬਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਏ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਆਵਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸੋ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਈ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾ ਲਈ ਸਨ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਬਈ ਇਹ ਕਲਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਅਮਾ ਰੱਖਨੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਤਰੰਗ ਮੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਅਗਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਆ ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਜਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੋਤੇ ਉਹ ਕਹਤੇ ਨਾ ਗਮੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਫੀਲ ਹੋਤੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਅਭੀ ਬਈ ਚਲਤੇ ਹੈ ਹਮ ਸਿਟੀ ਯਾ ਟਾਊਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੇ ਲੀਏ ਬਈ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਲੂ ਕਲਰ ਕਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਯਾ ਚਾਦਰ ਕਮੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਵਹੀ ਨਾ ਆਸਮਾਨੀ ਕਲਰ ਤੋ ਵੋ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋ ਦੇਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਰਜੀ ਕੋ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਰਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਖੁਦ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ ਜਾਤੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਭ ਇਹ ਕਰੀਬ ਮੇ ਹੀ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ ਬਲੂ ਸੂਟ ਔਰ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੈਸੇ ਆਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਬਾਤੋਂ ਕੋ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਲੀਜੀਏਗਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਹਮਾਰੀ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਤਾਇਆ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਦੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਧਰ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਇਨਕੋ ਫੌਰਨ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਸੇ ਸ਼ੱਕ ਪੜ ਜਾਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਸਿਗਰਟ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਆ ਥਾ ਨਾ ਵੋ ਬੜੀ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਕੀਆ ਥਾ ਮੈਨੇ ਮੁਝੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਥੀ ਕਿ ਵੋ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਬੈਸ਼ਰ ਮੁਝੇ ਬਾਅਦ ਮੇ ਬਤਾ ਰਹਾ ਥਾ ਅਬ ਕਿ ਮੁਝੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਮ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਕਹਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕਰਨੇ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਇਨਕੋ ਤੋ ਨਹੀਂ ਤੋ ਵੋ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਥਾ ਤੋ ਆਜ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਲਵਾਇਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋ ਥੋੜਾ ਸਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕੀਆ ਔਰ ਅਭੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਸੂਟ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈਂ ਉਨਕੇ ਲਈ ਵਾਈਟ ਰੁਮਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਉਨਕੋ ਬਤਾਏਂਗੇ ਵੀ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਆ ਆਪ ਨਯਾ ਸੂਟ ਹੀ ਪਹਿਨੋਗੇ ਭਾਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਯਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇਗੇ ਤੋ ਔਲਾਦ ਕੇ ਨਯਾ ਸੂਟ ਪਹਿਨਨੇ ਕਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ ਅੱਮਾ ਜੀ ਕਾ ਭਾਈ ਈਦ ਕਾ ਸੂਟ ਯੇ ਆ ਚੁਕਾ ਯੇ ਬਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਿਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਭੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਆਤੇ ਔਰ ਉਨਕੇ ਲਈ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾਤੇ ਹੈ
तो अभी हम बस टाउन के लिए निकलने लगे हैं अब्बा जी के लिए जो है ना शॉपिंग करके आते हैं, और अब्बा जी भाई यहाँ से उठ के चले गए हैं जी गाय की तरफ, तो वापसी पे आकर उनको इंशाल्लाह खुश करते हैं, सरप्राइज़ भी देते हैं। चलें फिर तो ले आते हैं भाई सूट। ले भाई हम ना शॉप पे आए और पहला कलर उन्होंने हमें दिखाया, हमें और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बस यही लेना है, तो इसी से चादर और सूट करवाना है। कितने मीटर में बनेगा ये है भाई? आसमानी कलर जिसके अब्बा जी शदाई हैं, इसी से चादर और कमीज़ कर, चादर करनी, चादर कितने मीटर की बनती है? चादर सवा दो मीटर कमीज़, बस कर दें एक कमीज़ और एक चादर। हाँ उतना ही करो जितना कह रहे हो ना। और एक रुमाल भी लेना है वाइट वाला, तो ये एक भाई ने दिखाया, ये काटन का है, काटन है ना, लॉन काटन जो। और एक ये दिखाया, ये बिल्कुल मतलब सॉफ्ट है लेकिन इसमें ना वो डिजाइनिंग वगैरह नहीं होती जिस तरह से वो पट्टी बनी बॉर्डर बना होता है ना। फाइनली जो है ना भाई सूट लेके आ गए और साथ में वाइट रुमाल भी लेके आ गए हैं जी, और ये रहा बाहर, अब्बा जी को भी दिखाते हैं और भाई उनको सरप्राइज भी देते हैं और उनका रिव्यू भी लेते हैं कि उनका कोई मूड चेंज हुआ है या नहीं। इधर बैठे हुए हैं भाई अब्बा जी, इधर से उठ के ना भाई आप इधर शिफ्ट हो गए हैं जी, और अभी तक जो है ना मेरे ख्याल में इनका मूड सेट ही हुआ। सुनाओ फिर आखिरी फैसला, नहीं पावना दुआ सूट? नहीं दुआ नहीं पावना, पक्की गल है? पक्की गल है। नीले तो सिवा नहीं खलो? नीले शीले तो सिवा मैं कोई नहीं खलो। चले भाई आपके लिए फिर एक सरप्राइज है, हम ना फिर मैंने अपनी जेब खाली किया, मैं चलो ना अब्बा के लिए ना सूट ले लेते हैं आपके सौखे करके ना, तो आपके लिए ना भाई सूट दिखाएं हम। नहीं भाई अब्बा जी नीला सूट ना पहने ईद पर, फिर हमारे पहनने का क्या फायदा? तो ये भाई आपके लिए नीला सूट आ चुका है, सुनाए कलर अब सही है? मोर क्यों आंदा ही नहीं होना, बस मुड़ा सी आके तुसी एवें ना पाओ तो मजा नहीं आना है, तो असीं इस पर नीला सूट लाया है। अब अपने हिसाब से इसको सिलाई करवाएं या मैं दे आऊं? मैं तो कहूंगा आप अपने हिसाब से इसकी परमाइशें वगैरह दे लें तो बेस्ट रहेगा, मैं कि छोटा बड़ा कराऊंगा फिर ईद पर रोला डला होगा दया। हाँ इसी को दे दे, आप सिलाई दे तो। हाँ मैं सिलाई दे दूंगा, आप बस ना सूट दे दे उनको और उनको कहना है कि ईद पे तैयार करके देना, ईद पे आपने यही वाला पहनना है, ठीक है? भाई सूट लेना था लेकिन ना मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना ट्विस्ट करके ले आऊं, ऐसे सीधा सीधा ला के देने का मजा नहीं आएगा, आदत से मजबूर। तो ये भाई नीला सूट है और ये साथ में रुमाल भी है भाई, रुमाल दूसरे भी सफेद पड़े थे अब्बा जी, पहले ये वाला रुमाल करें सेम इसी तरह का, ये भी है, तो ये आपने भाई ईद पे नीला सूट और सफेद पर रुमाल, क्या कमाल कॉम्बिनेशन हो गया है ये पहन के आप। हाँ और पीला लाल हाँ जी सही हो गया, हाँ पीला एक ना खुशा भी हम लेके आए थे भाई अब्बा जी के लिए, वो ये तीनों आपने पहने हैं ईद पे, ठीक है ना, सारे सब्सक्राइबर देखते रह जाएं। सारे बार काट रखा मैं पाई रख सते लाए रख। बस ईद पे आओ ना पहनते और उतारते रहना, लोग देखते रहें कि अब्बा को हो क्या गया। कमलो अब तो अब्बा जी की ना गुदगुदियां निकल रही ठहर हुआ छूटा गया ना भाई, एक बस आपके साथ ना एक छोटा सा मजाक किया था, प्रैंक था समझ लें इसी तरह के, लेने जाना था मैंने, फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ना आपको भाई तंग करके दिया जाए तो मजा आएगा, इसलिए जो है ना भाई मैंने कहा फिर इसी हिसाब से दिया जाए, चलो 10 दिन अभी रहते हैं ईद में तो सिल जाएगा 10 ईद से पहले पहले, और ईद पर अब्बा जी के भाई आपको जो नई लुक देखने को मिलेगी ना फिर नीली होगी। इस बार भी कोई दूसरा कलर नहीं होगा, नीला ही देखने को मिलेगा आपको। तो टाइम जो है ना तकरीबन भाई असर का होने वाला है, तो अभी असर की भाई नमाज अदा करेंगे और फिलहाल वीडियो को भी करते हैं जी खत्म। आई होप सो आज की सारी रूटीन और आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर मस्ट है, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा क्या क्या आपके पेरेंट्स भी सेम कलर पहनना पसंद करते हैं या डिफरेंट कलर पहनते रहते हैं। अब्बा जी को तो भाई जो लेके दो दोनों जो सूट लेके एंड पे ना नीले पे ही आ गए के बाद खत्म होती है तो फिर नीला लाना पड़ता है, तो इसलिए जो है ना अब्बा जी का नीला सूट आ चुका है। फिलहाल वीडियो करते हैं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।